दोस्तों सबसे पहले प्रूफ देखिए, यहाँ पर जो लोन अमाउंट हमने लिया है, इस लोन को लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज किया है, किसी भी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट आईटीआर इनकम प्रूफ नहीं दिया है। और बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर पूछ रहे हैं कि भैया हमें कोई ऐसा एप्लीकेशन बता दीजिए जिस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेने के लिए जैसे बैंक स्टेटमेंट आईटीआर इनकम प्रूफ ना देना पड़े, आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर जैसे पर्सनल लोन मिल जाए। तो फ्रेंड, अगर आप भी लेना चाहते हो आधार कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कैसे कर अप्लाई करना होता है, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको पैसे की दरकार है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को बेलाव करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो देखिए, जब भी मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताता हूं तो उस एप्लीकेशन से ऑलरेडी मैं लोन लेके देखता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इस एप्लीकेशन से ऑलरेडी हमने लोन ले लिया है, तभी मैं फिलहाल इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल स्क्रीन आप लोगों के सामने यहाँ पर अलाउ करता हूं और आपको मैं यहाँ पर क्लियर दिखाने का प्रयास करता हूं। आप लोगों के सामने क्लियर मेरा मोबाइल स्क्रीन है और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑटोमेटिकली मनी मैनेज, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये IBL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो RBI NBFC से लाइसेंस प्राप्त कंपनी है, कंपनी के बारे में बताया गया। मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 50000 का लोन ये कंपनी प्रोवाइड करवाता है। इंटरेस्ट जो लगेगा वो मिनिमम 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 36%। यहाँ पे कंपनी जो क्लेम कर रहा है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको टाइम मिलेगा वो 12 महीना का मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे देखिए, लोन एलिजिबिलिटी में क्या है कि अगर आपका एज लिमिट 21 साल प्लस है और आपके पास वैलिड जो है पैन और आधार कार्ड है तो आप एलिजिबल हो। पैन और आधार और सेल्फी, ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये कहाँ से है, सूरत गुजरात से ये एप्लीकेशन रजिस्टर है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम है जाता है IBL इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप 3.6 रेटिंग के साथ 1 मिलियन डाउनलोड के साथ ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो बहुत सारे एप्लीकेशन पर ट्राई कर रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा है, तो इस एप्लीकेशन से आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि इससे आपको पर्सनल लोन मिल जाए सिर्फ आधार कार्ड से बिना इनकम प्रूफ का। तो अगर आप इस कंपनी से ट्राई करते हैं और किसी कारणवश से आपको लोन नहीं मिलता है तो आपको सिंपल सा और एक तरीका बता देता हूँ। YouTube पर मेरा नाम लिखकर सर्च कीजिएगा मुरारी गोस्वामी, तो मेरा एक चैनल आ जाएगा यहाँ पे देखिए, और इस चैनल पर मैंने बहुत सारे लोन कंपनी के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। जैसे कल ही एक वीडियो हमने डाला जिसमें बताया कि 2 लाख तक का पर्सनल लोन कैसे कर हमें कंपनी से मिला था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देना हुआ, ठीक है, कितना इंटरेस्ट वगैरह लगा, इस बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो में बताया। 20,000 तक का पर्सनल लोन कैसे कर मिल जाएगा बिना सिविल स्कोर का, इस वीडियो में बताया। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर बना रखा है, सिंपल सा उस वीडियो को देखना, सीखना, समझना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिए। साथ में पर्सनल लोन तभी लेना जब इसका रिपेमेंट आप टाइम पर कर सकें, अगर आप रिपेमेंट टाइम पर नहीं कर पाइएगा तो पर्सनल लोन को अवॉइड करें। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।